दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों एक शानदार और आकर्षक बॉडी भला कौन नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसके मसल्स निकलें, उसके भी सिक्स पैक्स हों। लेकिन दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि बॉडी बिल्डिंग और पैसा कमाना दोनों एक जैसा ही है। जिस तरह इंसान अगर कड़ी मेहनत और लगन से काम करके पैसा कमाता है तो वो अपने सपने पूरे कर सकता है, ठीक उसी तरह अगर किसी को बॉडी बिल्डर बनना है तो उसके लिए उसे जिम में पसीने बहाने ही पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग हमेशा शॉर्टकट अपनाने में लगे रहते हैं। उन्हें एक आकर्षक बॉडी तो चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहते, जिस वजह से वो एक ऐसे अंधकार में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ तक कि लोगों के मरने तक की नौबत आ जाती है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप भी शायद बॉडी बिल्डिंग का ख्याल ही दिमाग से निकाल दे। अब इस वीडियो में ऐसा क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है कि आज के समय में फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को लेकर जो जुनून युवाओं के बीच देखने को मिल रहा है वो आज से पहले कभी नहीं था। पहले केवल बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में वही लोग जाते थे जिन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होता था, लेकिन आज हर गली नुक्कड़ में आपको कोई ना कोई बॉडी बिल्डर मिल ही जाएगा जिसे एक शानदार बॉडी बनाने का शौक है और लोग शौकिया तौर पर इसे बहुत ही सीरियसली करना चाहते हैं ताकि वो आकर्षक दिख सके और उनके शरीर में स्टैमिना और ताकत बनी रहे। लेकिन कुछ लोग अपनी चाहत तो सामने रख देते हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते और ऐसी राह पर निकल जाते हैं कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब जैसे कि आप इन बॉडी बिल्डर्स को देख लीजिए, इनको देखकर आप समझ गए होंगे कि इनकी बॉडी किस तरह बनी है और ये कोई एक केस नहीं है। दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसे बहुत से बॉडी बिल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी मसल्स और चेस्ट को बढ़ाने के लिए सिंथॉल या फिर कह लीजिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। असल में दोस्तों सिंथॉल एक तरह का ऑयल प्रोडक्ट होता है जिसमें ये लोग इंजेक्शन के अंदर भर के अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जी हाँ, जिस किसी भी बॉडी पार्ट में ये लोग सिंथॉल को इंजेक्ट करते हैं वो बॉडी पार्ट फूलने लगता है। मान लीजिए जैसे अगर ट्राइसेप्स पर कर लिया, शोल्डर पर कर लिया या फिर बाइसेप्स पर कर लिया तो उस जगह से उनका जो बॉडी पार्ट है वो फूल जाता है, जिसे देख इंसान को लगने लगता है कि उसकी बॉडी मस्कुलर बन रही है। और दोस्तों ये बाहर के देशों का हाल नहीं है, ये चीज हमारे देश में भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। बहुत सारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने ये चीजें करके अपनी बॉडी को बिल्कुल बेकार कर लिया है। अब आप सोचेंगे इसमें बॉडी कहाँ से बेकार हो गई, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह से बॉडी बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ना ही शरीर में ताकत होगी प्लस देखने वालों को बहुत खराब लगेगा और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये तो केवल सामाजिक बातें हो गई। अब अगर शारीरिक तौर पर बात करें तो जिस सिंथॉल का इस्तेमाल करके इन लोगों ने अपनी नकली बॉडी बनाई है, ये शरीर के अंदर जाने के बाद पस यानी मवाद का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से कई लोगों के हाथ पैर भी कटवाने पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने सिंथॉल का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया कि कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई और बहुत से लोग मौत के कगार पर खड़े भी हैं, जो कब अपनी इस नकली बॉडी के दिखावे के चक्कर में भगवान को प्यारे हो जाएं पता ही नहीं चलेगा। और यकीन नहीं होता तो इंटरनेट पर आप फेक बॉडी वाले बहुत से लोगों की वीडियोज देख सकते हैं जिन्होंने अपनी गलतियों को न सिर्फ माना है बल्कि ये भी बताया कि कैसे उन्होंने ज्यादा बॉडी बनाने के लालच में अपने पूरे शरीर को खराब कर दिया। दोस्तों बात केवल सिंथॉल जैसे ऑयल की नहीं है, लोग स्टेरॉइड भी लेते हैं ये सोचकर कि बहुत ज्यादा जल्दी बॉडी बना लेंगे और ये चीज बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है। पर दोस्तों आप खुद सोचिए इस तरह की बॉडी बनाकर क्या फायदा जो शरीर में ताकत ही ना दे। कई सारे बॉडी बिल्डर्स जिन्हें स्टेज पर परफॉर्म करना रहता है वो स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से अपनी बॉडी की एक एक मसल को दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का सारा फैट चला जाता है जो उनके लिए नुकसानदायक है। हमें नहीं लगता कि किसी नॉर्मल इंसान को इस तरह से अपनी बॉडी को प्रदर्शित करने की जरूरत है। कि आप किसी स्टेज पर परफॉर्म करने तो नहीं जा रहे कि वहां पर आपको अपनी बॉडी दिखानी है। जाहिर सी बात है आप अपने लुक को और ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए एक बढ़िया बॉडी चाहते हैं और यकीन मानिए इस तरह की बॉडी बढ़िया वाली आपको घर में मिलने वाले खाने और घर पर ही एक्सरसाइज करने से मिल जाएगी। अगर आप जिम में या फिर सप्लीमेंट में पैसे खर्च नहीं करना चाहते तब तो कोई बात नहीं, आप घर पर सादा और बढ़िया खाना खाकर अपने आप को फिट और एक्टिव रख सकते हैं।
उसके लिए योगा और एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको कुछ बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप रनिंग कर सकते हैं या फिर आप मसल फिटनेस के लिए तरह तरह के एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को शानदार बना सकते हैं। उसके लिए ना ही पैसे खर्च करने की जरूरत है, ना ही ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से मेहनत करेंगे ना तो आपकी बॉडी जरूर शानदार बन जाएगी। लेकिन अगर आप लालच में आकर गलत चीजों का सेवन करना शुरू कर देंगे या फिर तरह तरह के इंजेक्शन लगाने लगेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। यकीन नहीं आता तो खुद सर्च कर लीजिए, आपको ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने स्टेरॉइड्स के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, और उन्हीं में से एक नाम रिच पियाना भी है। इन्होंने बहुत ही कम समय में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना नाम कमाया था। इनकी बॉडी भी बड़ी शानदार थी, लेकिन एक दिन अचानक से इनकी लाश इनके घर पर मिली और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला इनकी मौत का कारण स्टेरॉइड था। अब आप समझ गए होंगे कि जब इतने बड़े बॉडी बिल्डर की जान लेने में स्टेरॉइड कोई कसर नहीं छोड़ता तो हमारे और आप जैसे नौसिखिए लोगों को ये कितना नुकसान पहुंचा देगा। बाकी आपको इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।